भाई लोगों, ये धान काटने की मशीन है। पहली बार हमने एक लाइव चलते हुए देखी है। आगे का होपर जो है वो धानों को घसीट रहा है और अंदर को खींच रहा है, काट भी रहा है। उसके बाद ये बेस्ट है, ये बाहर निकल रहा है, कोई भी नुकसान नहीं है। वो सारी की धान के बाल जो है सब ये निकाल रहा है और उनका तो गिट्टा भरा जा रहा है धानों का। देखेंगे आप, ये लोग बोरियों से भर रहे हैं, पेड़ों की आड़ में दिख रहे होंगे आपको लोग चलते हुए। तो हाथ हाथ माल बिल्टी हो रहा है और पैकार को बुलाया है। पैकार को जो है धान ने तय कर दिया है 1950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, बाकी 500 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मशीन वाले ले रहे हैं। बाकी धान हमारे ये थे। शाम का वक्त हो रहा है, थोड़ा क्वालिटी लो होगी कैमरे की, खबर देती है। थोड़ा बहुत कंडुआ था धानों में और लेबर वाले जो है थे 1600-1700 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पैसे मांग रहे थे और वो झाड़ने में भी कई दिन लगाते, इससे जो है एक दो दिन में निपट जाएगा। बाकी थोड़े बहुत बादल हो रहे थे, इसकी वजह से जो है जल्दी कटवाने पड़ रहे हैं हमें धान। तो काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है इस मशीन का, तो आपने लाइव चलते हुए देख ली। और बाकी जो गिरे हुए धान होते हैं उनको जो है थोड़ा छोड़ देती है, बाकी अगर खड़े हुए धान हैं आपके तो सारे के सारे जो है बढ़िया तरीके से निकाल देती है। ये देखने जैसे ये गिरे हुए हैं अंदर बीच में, तो इनमें जो है थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल जो ज़मीन से चिपटे हुए हैं। थोड़े बहुत गिरे हुए होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देखेंगे तो सारा पूरा खेत हमारा इन्होंने निकाल दिया है। देखेंगे बाकी जैसे ये धान चिपटे हुए हैं बिल्कुल, ये हैं थोड़ा, ये हैं, ये थोड़े रह जाते हैं। जो पहली बारिश के गिरे हुए धान है वो रह गए हैं, बाकी सारे के सारे इन्होंने जो है निकाल दिए। पूरा फांट ले लेते हैं, ये लगभग मेरे हिसाब से लगभग एक या दो बीघे का एक बार में ही निकाल रहे होंगे। बाकी ये देखेंगे बगले जी अपने पूरे मज़े में हैं। तो इस तरह से पूरी मशीन जो है वर्क करती है। मैं थोड़ा और दिखवा दूँ आपको, एक ड्राइवर चलाता है केवल इसको, ऊपर बैठा है, ये देखेंगे आप, ये ड्राइवर बैठा है और ये देखेंगे बैग बहुत तेज़ी से करता है, बहुत फास्ट चलाता है। ये देखेंगे दूसरा, इन्होंने फांट भर लिया है। बाकी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो वीडियो को शूट कर रहा हूँ और वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बाकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। कुछ लोगों ने मतलब मेरिट डिमेरिट दोनों ही बातें होती हैं कि हर हर बात में, कुछ लोगों ने कहा नुकसान ज़्यादा है मत निकलवाओ, लेबर से कटवा लो, मगर ज़्यादातर तो जो हमने एवरेज लगाया वो तीन से ही जो है एक बार में काम ख़त्म है और एक दिन में काम ख़त्म है। ज़्यादा देर निकले लगी है ये काटने वाला पूरा खेत, लगभग हमारा ये 16 बीघे का आसपास खेत था, तो सारा ये थोड़ी देर में निपटाने वाले हैं। बहुत ही फास्ट काम चल रहा है। लगभग 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से धान की पैदावार निकली है हमारी, एवरेज लगाया है। लगभग 24 क्विंटल 6 बीघे में निकले हैं, वो अलग टुकड़ा था, तो इतना कुछ एवरेज आ रहा है। बाकी ये देखेंगे जो पैकार होते हैं वो पैकार यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने धान खरीदे हैं हमारे, इनसे पहली बात कर ली थी, आप खरीदोगे मशीन वाले तो हम बेचेंगे, निकलवाएंगे, कटवाएंगे मशीन से, अन्यथा नहीं। तो थोड़ा 100-200 रुपये का अंतर है हाथ की झड़ाई वाले धान में और इसमें, बाकी इतना लेबर का खर्चा ज़्यादा आ जाएगा तो औसत वो कब होगी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। एक बार और मैं दिखवाता हूँ आपको, इसका होपर भर जाता है तो जो साइड में ये होपर था, ये नाला जो है होपर, इससे जो है लोड ज़्यादा ट्रॉली में, कोई या तो बोरे भरवा लो या ट्रॉली में लोडवा दो, तो जो भी आपकी सवारी है उसमें लोडवा दो, तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। ये देखो पूरा फांट भर के लाना है, ये देखो पूरा भर जाता था, लौट के ले जाता है, बाकी थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम।
एडजस्टमेंट कर दिया है इन्होंने। वीडियो को लाइक शेयर मार दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ब्लॉग संबंधित वीडियो इन चैनलों पर जाता रहता हूँ, फेसबुक पर जाता हूँ। तकनीकी खराबी सी लग रही है इसके लिए। Thank you.